आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज मैं तमाम दर्शकों को बता दूं कि देखिए हमारे तीन चैनल हैं, हेलो औरंगाबाद, सनराइज चैनल और एसडीएम चैनल। ये हमारे तीन चैनल की टीम एक कॉलेज पे आ पहुंची है जिसका नाम है बीके कॉलेज ऑफ फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट और इसका पता है देखिए नायरा पेट्रोल पंप समोर पुंडलिक नगर रोड छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद। ये तमाम जो माता पिता हैं और सबको पता है कि नया तालीमी साल एजुकेशन का शुरू हो चुका है, लेकिन जो लोग मिडिल क्लास के होते हैं वो माता और पिताओं के मन में एक बात रहती है कि हमारा बच्चा 12वीं पढ़कर या थोड़ा ग्रेजुएशन पढ़कर या कोई साथ में कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स सीखकर अपने पैरों पर खड़े हो जाए और वो माता पिता का सहारा बने। ये एक ऐसी समाज की सच्चाई है क्योंकि हमारे पास जो है तो एक बेरोजगारी फैली हुई है, गरीबी फैली हुई है। हर माता पिता चाहते हैं कि चलो हमारा बच्चा पहले खड़ा हो जाए और सहारा बने। सवाल ये होता है कि ऐसे में ऐसा कौन सा कोर्स किया जाए जो मैट्रिक के बाद या 12वीं के बाद किया जा सकता है, उसके करने के फौरन बाद उसको कहने के रोजगार प्राप्त हो जाता है। बस यही तलाश के लिए ये टीम यहाँ पर पहुंची है। चलिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है प्रिंसिपल साहब, इनसे विचार इनसे चर्चा करते हैं। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर ये बोलिए कि जो आपका ये कोर्स है, सबसे पहले ये बोलिए कि इसकी विशेषता क्या है? अपना ये जो कोर्स है हमारा 2008 से कॉलेज चले है, इसमें से डिप्लोमा इन फायर इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ये जो कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद बच्चों को तुरंत जॉब मिल जाता है और वो अपने पैर पर खड़े रहकर अच्छे से अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं। ये जो कोर्स है, ये कोर्स करने के बाद फायर डिपार्टमेंट में जॉब कर सकता है, उसके बाद सेफ्टी डिपार्टमेंट में भी जॉब कर सकता है, अपने कैंडिडेट जॉब कर सकते हैं। सर एक सवाल ये है कि ये कोर्स मतलब 10वीं क्लास कक्षा पढ़ने के पास कर सकते हैं या 12वीं पास कर सकते हैं, कैसा है इसका? 10वीं के बाद कर 10वीं। सर कितने साल का कोर्स होता है ये? एक साल का कोर्स है, 2 साल का भी है, इसमें 3 साल का भी कोर्स है। ज्यादातर बच्चे अपने पास 1 साल का कोर्स करके तुरंत जॉब को जाते हैं। सर एक माता पिता के मन में एक बात होती है, हम अक्सर समाज में घूमते हैं, बात होती है कि जो डिग्री होल्डर है, जो एजुकेशन जो है, उनको भी नौकरी मिल पाती है। सवाल ये होता है कि फिर आपके कॉलेज में आने के बाद, जैसा आपने कहा है 10वीं के बाद 12वीं के बाद, ये आने के बाद ऐसा मतलब कोर्स करने के बाद तो मतलब आप नौकरी कैसे लगाते हो? क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं नौकरी लाखों रुपये लगता है, नौकरी अच्छे अच्छे मिल पा रही है, मिल नहीं पा रही है, इसके ऊपर कैसे मिल सकती है, थोड़ा विश्लेषण करेंगे आप? नहीं, इसका कैसा है कि फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट पहले से ही बच्चों को मालूम नहीं रहता, एक तो 10वीं 12वीं के बाद ऐसा कुछ कोर्स रहता है कि जो हम करने के बाद तुरंत जॉब मिल सकती है जी। इसके वजह से ज़्यादातर एडमिशन ये कोर्स के लिए नहीं रहते हैं, एडमिशन बहुत कम रहते हैं, इसलिए वैकेंसी ज़्यादा रहती है इंडस्ट्री में और उसके वजह से हम 100% जॉब गारंटी वो बच्चों को दे पाते हैं कि ये कोर्स हमारा पूरा 8 साल का और उसके बाद तुरंत जॉब हम दिला देंगे। सर अक्सर ये होता है जैसा आईटीआई है या इंजीनियरिंग कॉलेज है, अक्सर ये पेपर में भी एड आता है, कंपनी की भी जो रिक्वायरमेंट होती है कि ठीक है आप पास है, डिप्लोमा जो भी पास है, लेकिन आपके पास अनुभव होना चाहिए। तो अभी कैसे मुमकिन है कि आपके पास से कोई विद्यार्थी अगर पास हो जाए उसके पास अनुभव ना हो तो कंपनी वाले उसको नौकरी दे, तो इसका कोई सलूशन है आपके पास कि इसको अनुभव मिले? हाँ है, हमारे पास ये कोर्स करने के बाद 1 साल का कोर्स कंप्लीट होने के बाद 1 महीने के लिए हम लातूर फायर स्टेशन में हम अपने बच्चों को 1 महीने के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, वहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल उनका हो जाता है और उनको वहाँ से एक सर्टिफिकेशन भी मिलता है जो कि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बोल के भी वो यूज कर सकता है कोई भी कंपनी में जाने के बाद। और जो भी कंपनी से हमने टाइप किया है वो कंपनी में ऑलरेडी फ्रेशर कैंडिडेट भी ले जाते हैं, इसलिए हम बच्चों को 100% जॉब लगा देते हैं। सर कंपनी के बारे में जब शब्द आता है तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि अक्सर देखा जाता है कि कंपनी में टेम्पररी बेसिस पर रख लिया जाता है, 6 महीने के बाद फिर निकाल दिया जाता है, ये एक मन में सवाल आता है माता पिता भी, तो क्या आपके कोर्स करने के बाद मान लो अगर किसी कंपनी को आपने जो आपका विद्यार्थी रिफेयर किया उसको परमानेंट होता है या बाद में से कुछ कठिनाई आ सकती है? नहीं, अरे ये कोर्स में अगर समझ लो कोई भी कैंडिडेट ये कोर्स पे जॉब कर रहा है फायर एंड सेफ्टी में तो वो अगर समझ लो कॉन्ट्रैक्ट बेस में भी रहा तो बाद में वो समझ लो एक्सपीरियंस लेके दूसरे कंपनी में शिफ्ट हो सकता है या फिर वही कंपनी आपको इंक्रीमेंट भी देती है और पोस्टिंग भी करती है, उसमें बहुत सारे पोस्ट रहते हैं।
सर ऐसा भी सुनने में आता है, देखने में आता है कि ये कोर्स करने के बाद या एक्सप्रेस करने के बाद लोग गल्फ में जाते हैं, आउट ऑफ जैसे कुवैत है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, ऐसे जाते हैं, तो क्या वाकई ये कोर्स की विशेषता महत्वपूर्ण वहाँ पर है? हाँ भाई बिल्कुल। किस प्रकार से, उसकी सैलरी कितनी होती है, उसका अगर आप बाहर भी जाते हैं तो उसका स्वरूप क्या होता है, आप किस तरह से मदद करते हैं, सहायता करते हैं, जरा उसका विश्लेषण कीजिए। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, अगर जो बच्चों को बाहर जाना है उन्होंने खाली उनका पासपोर्ट तैयार करके रेडी रखना है, बाकी पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो भी लगता है वो हम पूरा उनको बता देते हैं, और उसके साथ में जो भी इनिशियल ट्रेनिंग, जो इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन आते हैं या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग के बारे में, वो हम पूरा मालूम देते हैं, और बाद में हम उनको प्लेसमेंट भी करा देते हैं। सर जब कोई विद्यार्थी अगर कंपनी में नौकरी पाता है तो बता सकते हैं कि उसकी सैलरी कितनी होती है? क्या ऐसा तो नहीं कि भाई सैलरी इतनी कम हो कि विद्यार्थी का मन ही लगे ना, आपको ये इस पोस्ट में इंटरेस्ट पैदा ना हो, उसका सैलरी कितना होता है? नहीं, इसमें सैलरी देखो, कोई भी बंदा जब भी कोई कंपनी में जाता है तो शुरू में कोई भी कंपनी ज्यादा पेमेंट नहीं देती क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं रहता, तो हमने ऐसे कुछ कंपनियों से टाइप किया है जहाँ पेमेंट भी अच्छा दे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी दे बाद में, और अपना बच्चों का भी काम हो जाए 100%। तो गल्फ कंट्री में भी अगर ऐसे ही कोई बंदा जाना चाह रहा है तो उसके लिए शुरू में लगभग अपने इंडियन करेंसी में अगर बोला जाए तो 50 से 70-80 हजार तक का पेमेंट मिलता है मंथली। सर अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी या मतलब आपके पास एडमिशन लेना चाहता है, मैट्रिक पास है यदि या बारहवीं पास है, तो इसमें आपका कुछ क्राइटेरिया है कि परसेंटेज होना चाहिए? हमारे पास कास्ट में कुछ चलता है, ओबीसी है, जो भी है, तो उसका भी कुछ उल्लेख है या मतलब सबके लिए दरवाजे खुले? नहीं, एक्चुअली 10वीं के बाद कोई भी बंदा इसको पढ़ सकता है, लेकिन खाली उसका थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसके हाइट बॉडी और उसको जो हाइट है वो लगभग 5.5 फुट होना चाहिए, उसका वेट 50 किलो होना चाहिए जी, तो मतलब फिजिकल फिटनेस अच्छे होना चाहिए, एक पुलिस की तरह मतलब। हाँ, एक पुलिस की तरह, पुलिस की तरह, पुलिस ट्रेनिंग के साथ। हाँ, तो फिजिकल फिटनेस अच्छे होने के कारण पे वो कहीं भी आसानी से प्लेसमेंट हो सकता है। मतलब मैट्रिक का परसेंटेज इतना होना चाहिए या बारहवीं में होना चाहिए, उसी कोई उसके कोई ये नहीं है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, पास है, 10वीं पास के बेस पे अपना स्टूडेंट ये कोर्स कर सकता है, और ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको परसेंटेज हाई परसेंटेज चाहिए, मिनिमम 40-50% वाला स्टूडेंट भी कर सकता है। सर एक बात ये है, सर जब वहाँ पर जाते हैं गल्फ के अंदर जब आप जाते हैं तो मतलब वो अग्रीमेंट किस प्रकार से होता है, या तो कंपनी पर जाते हैं उससे आपका अग्रीमेंट होता है या आपका कोई लेटर समझ जाता है? नहीं, पूरी सुविधा वाली थी खाने पीने की पूरी सर? हाँ, जो भी बच्चे हम एब्रॉड के लिए भेजने वाले हैं वहाँ उनको रहना खाना पीना सब कंपनी की तरफ रहता है, आने जाने का टिकट भी कंपनी देती है, और साथ में जब भी हम कैंडिडेट को भेजते हैं एब्रॉड कंट्री में तो शुरू में ही उनको पूरा उनके जो वर्क ऑर्डर है जी, वो पूरा मिल जाता है उनको कि वहाँ पे कितना पेमेंट रहेगा, कितनी सैलरी रहेगा, उनको एक्सपेंस है, ड्यूरेशन सर उसका ड्यूरेशन 6 महीने 9 महीने 1 साल का ऐसा ड्यूरेशन रहता है। सर क्या कहेंगे, आपके पास एक स्टूडेंट अभी आए हैं, थोड़ा उनका इंट्रो दीजिए। नमस्कार, आपले कॉलेज से माझे विद्यार्थी मिस्टर शरद दळे हे या ठिकाणी या निमित्ताने आलेले आहेत, आणि ते त्यांच्याबद्दल थोडीशी माहिती सांगतील। ते आता ऑलरेडी एका कंपनीमध्ये चांगल्या पोस्टवरती काम करत आहेत, त्यांचं थोडक्यात इंटरव्ह्यू होत आहे। नमस्कार, मी शरद दळे, मी वैजापूरचा, मी मागच्या वर्षी कॉलेजला ॲडमिशन घेतलं होतं, मी एक वर्षभर रेग्युलर केलं कॉलेज, आणि कॉलेज केल्यानंतर मी गंगामय इंडस्ट्रीमध्ये सेफ्टी ऑफिसर म्हणून एक काम करतो, आता 6 महिन्यापासून मी काम करतो, मला काहीच अडचण येत नाही आजपर्यंत, म्हणजे ओकेमध्ये काम करतो एकदम व्यवस्थित। बस मी उद सर काय आय कार्ड आहे तुझ्या आपके? हां, आय डी कार्ड आहे मेरे पास, बताइए। देखिए इस प्रकार से मिस्टर साहब से हमारी विशेष मुलाकात हुई, और इस चैनल की टीम की विशेष मुलाकात का सिर्फ एक ही मतलब था, एक ही अर्थ है
कि हम औरंगाबाद शहर में एक ऐतिहासिक शहर है, यहाँ बड़े बड़ी इंडस्ट्री कायम हो रही है और इसके कारण फिर मराठवाड़ा भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बच्चे आते हैं पढ़ते हैं और ये सोच के आते हैं कि मैं कोई डिग्री हासिल कर लूँ, कोई बड़ा कोर्स कर लूँ ताकि मैं रोजगार पा सकूँ, एक ही लक्ष्य होता है। तो हमारी कोशिश यही थी कि ऐसे कोर्स जो शॉर्ट टर्म का भी हो, मैट्रिक के बाद हो, बारहवीं के बाद हो, जैसे सर ने कहा बड़ी विशेषता बात है देखिए कि रोजगार लगाने की खुद एक जिम्मेदारी लेते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, कंपनी से इनके अच्छे संबंध है, इनका टाइप्स है और विशेषकर जो लोग गल्फ में जाना चाहते हैं, कुवैत है, सऊदी अरबिया है, बहरीन है, जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां पर एक खास इनके तरफ से एक छूट है, ये कोशिश करते हैं। और ये जो कोर्स है हम समझते हैं कि तमाम पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी कि जहां पर इस तरह के वैकेंसी की जरूरत ना पड़ती हो, ये सभी के मालूम है। एक हम अगर थिएटर में चले जाए जॉय एंजॉय के लिए तो वहां पर भी आप देखेंगे एक आग बुझाने का चीज रखा रहता है, सिलेंडर, यानी कहने का मतलब वहां भी जगह खाली रहती है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम माता पिता जो मिडिल क्लास के और उनकी सोच है कि मेरा बच्चा बड़ा होके मतलब बारहवीं पास होके एक रोजगार पाले, एक बूढ़े माँ बाप का सहारा बने, तब समझते हैं कि इससे बढ़िया कोर्स आज हो नहीं सकता। वैसे तो कोर्स और भी है इसकी हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि बारहवीं के बाद मैट्रिक के बाद हम सक्षम हो जाए, रोजगार पाले, तो उनके लिए वेलकम है। आइए, और आपके मन में और कोई प्रश्न उठ रहे हैं यहाँ पर आप आ सकते हैं, स्क्रीन पे एड्रेस आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है सर का, वो उस पर फोन करके पूछ लीजिए, यहाँ पर आइए और आपके मन में जो भी बात है पूछिए और नई जिंदगी की एक नए रोजगार की शुरुआत कीजिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं जब कोई भी वीडियो वायरल होता है तो कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, बहुत से लोग कमेंट्स क्या करती है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये कोई ऐसा कमेंट ना करें, ये एजुकेशन का माध्यम है, अगर इसके माध्यम से अगर आपकी सलाह से किसको रोजगार मिलता है तो अच्छी बात है। और कमेंट्स के अंदर आपके मन में और क्या चल रहा है या आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं उस सवाल को स्पष्ट कर लिखिए ताकि सर उसके अंदर जाके आपको जवाब दे सके। एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण जानकारी है, इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके मित्रों में, आपके रिश्तेदारी में, रिलेटिव शेयर कीजिए, हो सकता है कि आपको जरूरत ना हो, आपके रिलेटिव में किसी को जरूरत रोजगार की हो वो यहाँ पर आ जाए रोजगार पाले, तो बोलते हैं ना ऊपर वाला भगवान अल्लाह को खुश हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि नेक शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर आप आएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। वेलकम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।